रतलाम जिले के ताल नगर में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति दूध पी रही है। मूर्ति को दूध पिलाने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है, जो प्रतिमा को गोद में लेकर किसी बच्चे की तरह चम्मच से चाय और दूध पिला रही है। इस चमत्कार के कारण ताल नगर में उत्सव सा माहौल है। नागरिकों ने 56 भोग का प्रसाद भगवान को अर्पित किया। दो महिलाएं भजन गाकर और नाचकर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में जुटी हुई है। रतलाम से 55 किलोमीटर दूर बसे ताल कस्बा में बीते 3 दिनों से गोपीनाथ मंदिर रोड पर धार्मिक आयोजन के बीच बबलू निगम का परिवार भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति घर लेकर आया। जब मूर्ति तक दूध ले जाया गया तो अचानक दूध गायब हो गया। इसके बाद तो इसकी खबर फैलते ही परिवार के साथ आसपास के लोग भी लड्डू गोपाल को दूध पिलाने के लिए कतारों में लग गए। हम सिवनी से लेके आए हैं इनको और ये चमत्कार हम अपने 8-10 साल से देख रहे हैं। इसके पहले कहाँ देखा था आपने? हमने इसके पहले जबलपुर में ही देखा था। ताल में कब से ये हुआ है शुरू? ताल में ये पहली बार आए हैं और परसों लेके आए हैं। परसों खूब बाजे गाजे से इनको घर में लाए हैं और घर में हम अपने पूजा पाठ के लिए लाए थे कि उनकी सेवा भाव से जो भी इन्हें हमारी हमसे सेवा बनेगी वो करेंगे हम उनकी। हमने उनको दूध पिलाया, चाय पिलाई, उनने पिया और जो देखने आए थे दर्शन करने उनने देखा तो उन लोग की श्रद्धा बढ़ गई, इससे लोग आ रहे हैं। ताल में लड्डू गोपाल की मूर्ति के दूध पीने की घटना को लोग चमत्कार मान रहे हैं। ग्रामीण महेश ने बताया कि मैंने अपने हाथों से मूर्ति को दूध पिलाया है, भगवान का चमत्कार है। अभी तक टीवी पे और समाचार पत्रों में देखते रहते, सुनते रहते, बाकी ये चमत्कार तो अभी देखा अपनों ने। कल मैंने स्वयं ने जो है गोदी में लेके उनको दूध पिलाया, उनको पानी पिलाया और वो भोग भी लेते हैं, मक्खन वगैरह भी खाते हैं, मिठाई वगैरह भी खाते हैं। पहली बार देखा है वो हाथ से स्वयं पिलाया अपने। विज्ञान के इसमें इस तरह की चमत्कार की उम्मीद होती है आपको? वो हो के मत हो, बाकी ये तो अपने सामने है तो उसको तो सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। सत्य बात है वो तो अपन देख ही रहे हैं और अपने हाथ से स्वयं किया है तो वो तो बताना पड़ेगा। ये मूर्ति जिस धातु की, क्या ऐसा लगता है कि ये कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है इसका? अब इतना तो अपने को जानकारी धातु के बारे में नहीं है, बाकी ये मूर्ति है लड्डू गोपाल की अपने सामने और उसका अपने मंदिरों में भी होती है तो ऐसी होती है। तो ये तो चमत्कार देखा अपनों ने, अपने हाथ से उन्होंने दूध पिया, पानी पिया, चाय पिलाई उन्होंने। वहीं प्रमोद पाटीदार का कहना है कि इस तरह की बातों को जानबूझकर फैलाया जा रहा है, ये अफवाह से कम नहीं है। वहीं कुछ जानकारों का तर्क है कि मूर्ति किस वस्तु से बनी है ये अहम है। आमतौर पर नई मूर्ति काष्ठ की होती है तो स्वाभाविक तौर पर तरल पदार्थ को ग्रहण करती है, कुछ धातुओं को मिश्रण भी तरल पदार्थ के साथ यही व्यवहार करता है। मूर्ति नई होने पर इस तरह के व्यवहार की बातें सामने आती है, लोग इसे चमत्कार या आस्था से जोड़ लेते हैं। MP News Network की रिपोर्ट।